झारखंड में सोरेन परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले सीबीआई, ईडी और अब लोकपाल ने सोरेन परिवार पर शिकंजा कस दिया है। कोयला मंत्री रहते हुए झामुमो सुप्रीमो शिव सोरेन और उनके परिवार पर अवैध कमाई अर्जित करने और बेनामी संपत्तियों की खरीद के मामले में लोकपाल ने नोटिस जारी किया है। शिव सोरेन को इस मामले में 25 अगस्त को दिन के 11:30 बजे खुद या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। लोकपाल इंडिया के फुल बेंच ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। लोकपाल ने इस मामले में सीबीआई की इंक्वायरी रिपोर्ट, शिकायत की कॉपी और नोटिस भी उन्हें भेजे हैं। 5 अगस्त 2020 को शिव सोरेन और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और अचल संपत्ति की खरीद का आरोप लगते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद लोकपाल ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई की पीई दर्ज कर 6 माह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। सीबीआई ने इस मामले में जाँच के लिए अधिक वक्त की मांग की थी। हालांकि 1 मार्च 2021 को पहली पीई रिपोर्ट सौंपी गई थी। 1 जुलाई 2021 को सीबीआई ने सोरेन परिवार की संपत्ति का पूरा विवरण आयकर रिटर्न लोकपाल को सौंपा था। लोकपाल ने सोरेन परिवार से संबंधित सदस्यों को नोटिस भेजकर 8 सितंबर 2021 को पक्ष मांगा था। सोरेन परिवार को सारी जाँच रिपोर्ट और शिकायत का विवरण दिया गया था। लोकपाल ने संबंधित दस्तावेज भी उन्हें सौंपा था। 7 मार्च 2022 तक उन्हें पक्ष रखने की मांग की गई थी। इसी साल 6 मई 2022 को सोरेन परिवार के आय पक्ष को सीबीआई को भेजकर इसकी पड़ताल करने और 13 जून तक नई इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी गई थी। सीबीआई ने रिपोर्ट 29 जून को सौंपी थी। सीबीआई के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को काफी गंभीर मानते हुए लोकपाल ने अब लोक सेवक के खिलाफ केस दर्ज करने के पूर्व पक्ष रखने से जुड़ा नोटिस भेजा है। सीबीआई ने सोरेन परिवार की संपत्ति से संबंधित पीआई रिपोर्ट 29 जून 2022 को सौंपी थी। लोकपाल ने पाया कि रिपोर्ट काफी विस्तृत है, ऐसे में लोकपाल ने इस मामले में नोटिस देने का फैसला किया है। सीबीआई ने अपने पीई में सोरेन परिवार को आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक और कई बेनामी संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया है।